खुश आमदीद नाजरीन। कंचन मकबूल सदूद में पेश आया एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया, जहां पर बेटी पैदा होने के डर से शोहर और ससुराल वालों ने एक खातून का हमल ज़ाया करा दिया। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया बाबा नगर इलाके में पेश आया, जहां पर महमूद नामी एक प्राइवेट एम्प्लॉय और उसके घर वालों ने महमूद के 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी के पेट में बच्ची होने पर उस पर अबॉर्शन के लिए दबाव बनाते हुए गोलियां खिलाई और 15 नवंबर को उसे एक प्रीमैच्योर मरी हुई बेटी पैदा हुई। शुबा किया जा रहा है कि बेटी पेट में ही मर चुकी थी। इस डिलीवरी के बाद खातून की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद खातून को इलाज के लिए 2 दवाखाने मुंतकिल किया गया। महमूद और उसके घर वालों ने बच्ची की लाश को हाफिज बाबा नगर में मौजूद एक कब्रिस्तान में दफनाया। जैसे ही महमूद की बीवी की तबीयत संभली, उसने कंचनबाग पुलिस स्टेशन में महमूद और उसके घर वालों के खिलाफ ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाने की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कंचनबाग पुलिस ने एक एफआईआर भी कर दिया और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए खबर से बाहर भी निकाला। ये काबिल अफसोस की बात है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों के बराबर है, इसके बावजूद ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। कंचनबाग पुलिस ने इस सिलसिले में दफ़ा 313, 315 और 323 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। महमूद की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसे इस शादी से 1.5 साल की बच्ची भी है। अल्लाह अकबर।